4 अक्टूबर को आरा सदर प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश मुखिया संघ के नेतृत्व में लगातार सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकार का लगातार कटौती और छीने जाने के विरोध में 19 सूत्रीय मांग की जा रही थी। तो वहीं अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है, जिसका विरोध राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के किसी बैठक या ट्रेनिंग का विरोध किया जा रहा है। उसी को आगे जारी रखते हुए आरा सदर प्रखंड के जिला अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में बैठक में 19 सूत्रीय मांग को रखते हुए मीटिंग का बहिष्कार किया गया, जिसमें मुखिया उदय सिंह महुली, मिथुन सिंह, मुकेश प्रसाद, गंगहर, हिराझरी, खजुरिया, सुजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। हम लोग की मांगे हैं, जो भी हमारे मुखिया जिला ने बताया कि हम लोग मानदेय, चाहे हम लोग के अधिकारों में कटौती दिन पर दिन की जा रही है और हम लोग कहाँ दिन पर दिन बनते जा रहा है, जिससे हम लोग जनता के पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसी के लिए मांग है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अभी तक लगातार धरना प्रदर्शन मुखिया लोग ही दे रहे थे और पंचायत समिति भी आप लोग के साथ में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी प्रतिनिधियों के लिए हित में हम लोग बोल रहे हैं और सभी मांग रखे हुए हैं और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग सरकार के विरोध करते रहे। काफी लंबा समय से चल रहा है आपका धरना प्रदर्शन, विरोध जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा। नहीं, अभी तक तो कोई निर्देश नहीं आया है, लेकिन हम मनवा के हम लोग रहेंगे। आगे क्या रणनीति, सभी हम लोग एक संग एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध धरना देंगे, मांग रखेंगे, जब तक मांग पूरा नहीं होगा कार्य नहीं करेंगे। तो ग्राम पंचायत लोग क्या जवाब देंगे अगर कुछ काम के लिए अगर आएंगे तो? जितना हम लोग काम के लिए जब हम लोग अभी बोल देंगे कि भाई जब तक हम लोग सरकार वापिस के हित में हम लोग मांग रखे हुए, जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हम कैसे रख पाएंगे। परिचय अपना बता दीजिए। श्री कुमार सिंह, बसंतपुर पंचायत। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है और पूरी तरह से हम लोग का संगठन ने निर्णय लिया है कि किसी भी सरकारी बैठक में ट्रेनिंग हो या BDC की बैठक हो, किसी भी सरकारी बैठक में हम लोग भाग नहीं लेंगे। इसलिए आज आरा सदर प्रखंड में BDC की बैठक थी, उस बैठक में हम लोगों ने सारे मुखिया जो जारी हुए थे सबका हम लोग बहिष्कार किए हुए हैं। अब कुल जैसे बहिष्कार है कि जब तक 19 सूत्री मांग हम लोग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग राज्य सरकार केंद्र सरकार का विरोध करते रहेंगे। यही मुद्दा है, हम लोग बहिष्कार किए हुए हैं। कुछ नहीं, हम लोग जो 19 सूत्री मांग है और मांग के साथ में हम लोग जितने विकास के मुद्दा है विकास का कार्य कर रहे हैं कि कोई भी जो परेशानी की बात है जो ग्रामीण जनता की होनी चाहिए हम लोग पूरी तरह से उसमें काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। लेकिन किसी सरकारी जो थोपने का काम किया जा रहा है प्रशासन अधिकारी के द्वारा सरकार के द्वारा, उसका विरोध कर रहे हैं, बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पंचायत के लोगों को फायदा होगा? देखिए, अभी जो इसलिए कबीर अंत्येष्टि का मुद्दा जो है, जो हम लोग का पैसा 2018 से नहीं मिल रहा है, जो आज हाशिए पर है, कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि जो मुखिया पद पर हैं वो किसी के अगर मैयत होती है, किसी की मृत्यु होती है तो अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ता है, जबकि पहले ग्राम पंचायत खाता में आकर पैसा रहता था और उसको निकाल कर मुखिया को देते थे। ये मुख्य मुद्दा है हम लोग का। दूसरा मुद्दा ये है कि जो पेंशन मात्र 400 रुपया है, अन्य राज्यों में 1000-1500 रुपया पेंशन जो मिलता है, विधवा महिलाओं के पेंशन, जो वृद्धा महिलाओं के पेंशन, चाहे किसी बुजुर्ग के पेंशन, आज मात्र 400 रुपया मिल रहा है। ये इस तरह की तमाम जो मुद्दा है जो हम लोग ग्रामीण जनता के हित में उठाए हुए हैं और खास करके जनप्रतिनिधि, जो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो, समिति हो, वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, किसी के हित लेके मानदेय की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 500 रुपये एक मात्र मानदेय जो मिलता है एक वार्ड सदस्य को और पंच सदस्य को, जो 32 रुपये पर डे पड़ता है, एक मुखिया को 2500 मानदेय मिलता है जो 80-81 रुपये पड़ता है, एक जिला परिषद को मानदेय जो मिलता है। इसीलिए सारे हम लोग एकजुट होकर हम सारे अपील, सभी जनप्रतिनिधि अपील कर रहे हैं कि जहां भी जिस पद पर भी है आप उस मुद्दा को उठाइए ताकि मानदेय की बढ़ोतरी हो। अभी तक लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया गया? निर्णय अभी तक तो नहीं लिया है, लेकिन सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। हरेंद्र प्रसाद यादव, मुखिया संघ भोजपुर, जिला अध्यक्ष। धरना प्रदर्शन आप लोग के द्वारा दिया जा रहा है, जो BDC का अभी हम लोग का मीटिंग था, बहिष्कार कर दिया क्योंकि हम लोग धरना पे अभी, और जब तक सरकारें हम लोग का 19 सूत्री के मांगे का पूरी नहीं करेंगी तब लोग हम लोग बहिष्कार करेंगे। लगातार 19 सूत्री के मांगों के लिए आप कर रहे हैं, क्या फायदा होगा जनता को, क्या फायदा उससे? जनता के फायदे के लिए तो हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, जनता को हमारे हम सरकारें हम लोग की मांगे पूरी करेगी तो जनता के मांगे हम पूरी करेंगे, जब सरकारें हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तो जनता के मांगे हम क्या पूरी करेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक सरकारी हमारी मांगे पूरी नहीं करे तब तक चलेगा। हरिशंकर दुबे, हिजरी पंचायत, सलेमपुर। हम लोग का 19 सूत्री का मांग है, जब तक हम लोग का 19 सूत्री मांग का सरकार नहीं पूरा करेगा
तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन हड़ताल चलते रहेगा। कब से आप लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं अपने 19 की मांगों को पूरा कराने के लिए? हम लोग करीब करीब 1.5 महीना हो ही गया। 1.5 महीना से जो पंचायत के कार्यों में कमी हुई होगी उसको लेकर क्या कहें? अरे तो हम लोग पंचायतें की ना लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक सरकार हम लोग की मांग पूरा नहीं करेगी तब लोग हम जब सरकारें हमको नहीं देगी तो हम पंचायत में कहां से देंगे। इसलिए हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि हम लोग का मांग पूरा करेगा, हम लोग पंचायत में मांग पूरा करेंगे। कौन कौन से ऐसे मुख्य मांगे हैं आपकी? अरे मुख्य मांग तो कबीर अंतरराष्ट्रीय योजना है, उसमें इधर उधर घुमा फिरा कर रहे हैं लोग। जाति मृत्यु में तो कहिए मत, जाति मृत्यु में तो इतना घूम घुमावल खेला चल रहा है कि जनता तो परेशान ही है, जनता के साथ साथ प्रतिनिधि भी परेशान है। यहाँ साइन कराइए, वहाँ कराइए, ऐसे घूम घुमावल खेला चल रहा है। तब हम लोग चुप रहने वाली नहीं है, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग चुप नहीं। प्रतिनिधि को भी घुमाया जा रहा है? जी, प्रतिनिधि भी घूम रहे हैं। मुखिया जी कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, 10 दिन में मिल जाएगा, 15 दिन में मिल जाएगा, महीना महीना दिन तो लोग दौड़ाते रहते हैं जन मृत्यु के लिए, जन प्रतिनिधि दौड़ रहे हैं, ये लोग मजाक बनाए हैं। परिचय अपना बता दीजिए। ग्राम पंचायत मखदुमपुर डुमरा परमानंद पासवान। माने प्रमुख महोदय और BPRO द्वारा मनमानी ढंग से योजना देने का काम कर रहे हैं, भले उनका समिति का काम करने वाला पैसा ना मिले, पूंजी मिले या ना मिले, लेकिन उनको कमीशन पहले चाहिए। ये लोग कमीशन के लिए पहले अपन काट लेते हैं कमीशन, अपने मनमानी आदमी के वेंडर हो या लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो, ये लोग पैसा भेज देते हैं, वहां से लोग पैसा काट लेते हैं। जैसे कि मेरा कार्य पंचायत के अंदर हम वहां समिति है, मेरा 5 जनवरी में हमने काम किया, लेकिन आज तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ था। प्रमुख मुद्दा के खाते थक गए, लास्ट में हम उसे घर गए, पेमेंट किया गया, लेकिन आज तक हमको एक पैसा नहीं मिला। मेरा पैसा भंडार भाट हो गया, मेरा उसमें पूंजी भी नहीं मिला। हमारे आरा सदर प्रखंड में यही योजना चल रही है प्रमुख द्वारा, उनके पास इतना दलाल लोग हैं, वे तो मजबूर हैं या जो भी हो। इसके मुख्य दोषी लोग कौन है? मुख्य दोषी प्रमुख महोदय को देंगे, मुख्य दोषी प्रमुख महोदय को। हम लोग प्रमुख महोदय को बनाए हैं, हम लोग दलाल को नहीं बनाए हैं। प्रमुख महोदय द्वारा मनमानी किया जा रहा है, किसी को 10 योजना दीजिए, किसी एक भी योजना नहीं दीजिए। पंचायत के लोगों को क्या जरूरत? पंचायत के लोगों का तो भाई मांग है, हम लोग समिति भेजे हैं, हम लोग जीते हैं काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, और हम लोग सेवा नहीं करेंगे कल हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? जनता हमसे पूछेगी, कहीं कहेंगे कि फला खा गए, जनता मानेगी? ये मनमानी तरीका से अपना मनमानी काम कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि ये लोग बराबर काम दे सबको, इसीलिए हम लोग अपना बैठक का बहिष्कार किए। हर कृष्णा प्रसाद, कांगड़ी पंचायत समिति।